आप डेली रूटीन में चलते हैं, ज़्यादा गाड़ी भगाते नहीं हैं, या आपके इधर पे ख़राब रोड नहीं है, तो आपके लिए सबसे अच्छा इकोनॉमिक में टायर अपोलो टायर सी हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अपोलो टायर्स के बारे में बात करेंगे। अपोलो टायर्स लगवाने चाहिए कि नहीं लगवाने चाहिए ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, पर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। देखिए, अपोलो टायर्स की बात करें तो अपोलो टायर्स इंडिया की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। ये 1972 में बनी हुई थी। जहाँ तक मेरे को याद है तो मैं छोटे से जब से देख रहा हूँ तो मेरे को अपोलो टायर्स, MRF टायर्स काफ़ी ज़्यादा सुना है। खासकर अपोलो टायर्स के बारे में मैंने काफ़ी सुना है क्योंकि पहले के ज़माने में जब महिंद्रा की मार्शल आती थी तो उनमें अपोलो टायर्स को काफ़ी महत्व दिया जाता है। अपोलो टायर्स का एडवांटेज मैं बताऊं तो अपोलो टायर्स का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि जो बजट रेंज में टायर्स आते हैं ना, उनमें इनकी ड्यूरेबिलिटी और इनका यूजेस आप करोगे ना, तो जो इनके समानांतर जो जितने भी टायर्स हैं ना, उनसे इनकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके साथ साथ इनमें और एडवांटेज है, ये टायर्स एवरेज में आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं बाकी अदर्स टायर्स के बारे में। अब मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बीच में बात करूंगा, कहीं कहीं पे डिसएडवांटेज भी आएंगे, एडवांटेज भी आएंगे, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, एडवांटेज में अगर मैं बात करूं तो ये टायर्स अगर लॉन्ग चलते हैं तो इनमें एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये चाहे नए ही टायर हों, इनमें क्या है कि अगर आपके आसपास ख़राब रोड है ना, तो इनमें कट लगने की प्रॉब्लम आती है। वैसे कट नहीं कि सीधे पूरा टायर ही फट जाएगा, नहीं, हल्का हल्का जो इसके ऊपर की लेयर होती है वो कट जाती है, या फिर हल्का फुल्का गिट्टी लग जाती है तो वो कट जाती है। अगर आपके टायर में हवा कम है तो ये कट आपके बढ़ जाते हैं, और हवा अगर ठीक है थोड़ा सा, मैंने तो अपने इधर पर यह भी देखा है कि लोग अगर 32 रिकमेंड करते हैं, 28 रिकमेंड करते हैं टायर प्रेशर, तो लोग बढ़ा के 28 है तो 32 कर देंगे, 32 है तो 35 या 36 कर देंगे, उससे उनके टायर्स में कट्स कम लगते हैं। मतलब ये है कि अगर आप अपोलो के टायर यूज़ कर रहे हैं, उसमें बराबर हवा है, डेफिनेटली ये है ज़रूर कि उसमें कट लगने के चांसेस कम रहेंगे। पहले ये मारुति ब्रेजा लगभग कई सारी गाड़ियों में आता था, मारुति के स्विफ्ट में हो गया, स्विफ्ट डिज़ायर में हो गया, अभी तो स्टॉक मेरे ख्याल से बदल दिया। आपको आई बटन पे विटारो ब्रेजा का रिव्यू आता होगा, उसमें आप जाके देख ले, उस गाड़ी में MRF के टायर डाले थे। इसके अभी करीब एक साल पहले एक नया इन्होंने टायर लॉन्च किया था 4G, 4G से इनको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला। पर मैं एक बात बताऊं, मैं एक रिव्यू देख रहा था और मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि 4G में भी कहीं ना कहीं कट लगते हैं, पर 4G में अच्छी बात यह है कि जो पहले अपोलो टायर्स आते थे उनमें नॉइस काफ़ी रहती थी, पर इसमें कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा कम है नॉइस, ऐसी बात नहीं है, है नॉइस। जैसे आप यूज करें सीएट के टायर, तो सीएट के टायर में इनसे थोड़ा सा कम नॉइस होती है। सीएट का टायर रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। और अपोलो के टायर्स में एक चीज़ और अच्छी है कि अपोलो के टायर्स आपको छोटे से इलाके में भी मिल जाएंगे, आपका रिमोट एरिया है, टाउन एरिया है, वहाँ पर भी मिल जाएंगे। अगर आप दूसरे टायर्स की बात करें, जैसे फाल्कन टायर्स की बात करें, तो फाल्कन टायर्स आपको रिमोट एरिया में नहीं मिलेंगे, ब्रिजस्टोन नहीं मिलेगा, मिशलिन नहीं मिलेगा, मतलब हाई रेंज के टायर्स नहीं मिलेंगे। फाल्कन तो खैर मिड रेंज के आसपास ही आता है, तो उनके टायर्स नहीं मिल सकते, पर अपोलो के टायर्स आपको मिल सकते हैं। तो अपोलो टायर्स लगवाने के बाद आपको एक चीज़ का और डिफरेंस मालूम चलेगा, इसका जब आप स्टेयरिंग यूज करेंगे ना, तो पहले जो आप स्टॉक टायर्स लगाए होंगे या दूसरे कंपनी के टायर्स लगाए होंगे, अब हाई लेवल की बात नहीं करता, प्रीमियम सेगमेंट की, पर अगर आप अपोलो टायर्स लगाए हैं अपनी नॉर्मल गाड़ी में, तो इनके टायर्स क्या है कि आपको स्टेयरिंग फीडबैक पहले की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा देते हैं, और इनकी ग्रिपिंग सो है, बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते ना, बहुत अपने ही जितने ही रेंज के इनके टायर्स आते हैं ना, उन्हीं के बराबर ग्रिपिंग रहती है। कंपेयर किया जाए अगर MRF C8 टायरों से, तो अपोलो के टायर्स में ये चीज़ अच्छी है कि डेली रूटीन में आपको उनसे ये बेहतर एक्सपीरियंस देते हैं। भी है अपोलो टायर्स की, अपोलो टायर्स तो इंडिया की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे होती है,
और इसमें गारंटी वारंटी भी अच्छी खासी मिल जाती है। 4G लाइट के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि 4G लाइट का जो साइड वॉल है ना, पिछले जो टायर्स आते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पिछले की अपेक्षा इनमें कट लगते हैं पर उतना नहीं लगते। और अपोलो के टायर्स में C8 की अपेक्षा, अगर अपोलो में टायर्स में कट लगे हैं ना तो वो गारंटी है कि वो फैलेंगे ही फैलेंगे, जबकि C8 में ऐसा नहीं है। C8 में अगर कट लगा है तो वो C8 के टायर्स नहीं फैलते। MRB में ये ऐसा है कि वो भी टायर्स में अगर कट लगा है तो वो भी फैलता है। इनमें अगर थोड़ी सी भी हवा कम है ना तो आपको ज़रूर ये मालूम चलेगा। रिव्यूज़ की बात करें तो इनके जो ओनर्स हैं उनका मिक्स रिव्यूज़ रहता है। कुछ बोलते हैं कि बहुत अच्छा टायर है, लॉन्ग टर्म का यूज करते हैं, कुछ कहते हैं कट की प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको पहले से ही बता दी। ग्रिपिंग इनकी ठीक ठाक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस 4G लाइट में पहले की अपेक्षा अच्छी है पर 10-15% ही है, इससे ज़्यादा नहीं। और साथ में बोलें कि नॉइज़ की, तो नॉइज़ को मैंने बता ही दिया है, पर नॉइस है इनमें, इतना साइलेंट ये टायर नहीं है। कंपेयर करें अगर MRF से, MRF के टायर्स थोड़ा सा इनसे ज़्यादा साइलेंट है। यह है कि अपोलो टायर्स में मेरा एक दोस्त लगवाया हुआ है, उसने काफ़ी बताया है कि पानी होने के टाइम पे ये फ्लोट करते हैं टायर्स, इनमें पानी में ब्रेकिंग डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, कम नहीं रहती। बट इन सेगमेंट के टायर्स में अगर फाल्कन को छोड़ दिया जाए तो लगभग सेम ही ब्रेकिंग डिस्टेंस कवर करते हैं, वही उसी तरह से फ्लोट करते हैं। अगर आपके यहाँ पे ख़राब रोड हैं, गिट्टी वाली रोड हैं, या फिर आप रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ पे मिक्स रोड का नेचर रहता है कि कहीं पे अच्छी है आपकी रोड, कहीं पे ख़राब है रोड, तो C8 टायर्स आपके लिए बेहतर हैं। अगर अपोलो की टायर्स की बात करें, अपोलो बहुत लोग नाराज़ नहीं होंगे, मैंने उसका एक अच्छा सा आपको बता ही दिया कि अगर आप यूज करते हैं, अगर ख़राब रोड है तो आप थोड़ा सा हवा ज़्यादा रख सकते हैं। तो इनकी जो थ्रेड्स हैं ना, दूसरों की अपेक्षा कम घिसते हैं और इनके थ्रेड्स थोड़ा सा अपने इंडियन रोड्स के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा रहता है जिससे कि कंकड़ या पत्थर इतना जल्दी नहीं चिपकते। खैर हर गाड़ियों में, हर टायरों में ये बीच गैप में चले ही जाते हैं, पर फिर भी इनमें उतना नहीं रहता। जैसे आप MRF का वंडर टायर ले लें, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें तो आपने थोड़ा सा 1 किलोमीटर भी गाड़ी आपने चला दी ना तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर उसके टायर्स के थ्रेड्स के बीच में चले ही जाते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं। ऐसे ही टायर आपको फाल्कन में भी मिलेगा, फाल्कन में भी आपको गैपिंग अच्छी खासी है जिससे टायर्स में उतना ज़्यादा कंकड़ या पत्थर नहीं मिलते। आपको आई बटन पे उसका रिव्यू आता होगा, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। अपोलो टायर्स अच्छे टायर्स हैं, इंडियन रोड्स के हिसाब से अच्छे टायर्स हैं। मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपोलो टायर्स मेरे हिसाब से अगर मैं नंबर दूँ अगर, तो मैं सबसे पहले नंबर पर C8 को रखूँगा, दूसरे नंबर पर अपोलो को, तीसरे नंबर पर MRF इनकी बात कर रहा हूँ। अगर फाल्कन भी इंक्लूड करें तो नंबर 1 पे मैं फाल्कन को ही दूंगा। अपोलो टायर्स अगर आपकी रोड अच्छी है, आप डेली रूटीन में चलते हैं, ज़्यादा गाड़ी भगाते नहीं हैं, या आपके इधर पे ख़राब रोड नहीं है, तो आपके लिए सबसे अच्छा इकोनॉमिक में टायर अपोलो टायर्स ही हो। तो जो मेरा कहना था तो यही कहना था, बाकी आपकी वीडियो आई बटन पर मिलती होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।